मम्मी रहने इसको रहने जलो जलो मत भाग 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 अज्जू भाग जल्दी भाग भाई भागो जल्दी जल्दी लेट हो गए बहुत जल्दी चलो भाई। मुझे पता है दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम भाग क्यों रहे भाई, रीजन क्या है। तो मैं आपको बता दूं भाई, अगर 10 मिनट के अंदर मैं जगह पे नहीं पहुंचा तो भाई बहुत सारी गालियां पड़ने वाली हैं। गाइस एक्चुअली हुआ ये है कि मैं अज्जू भाई के साथ गया था, अज्जू का एक काम था भाई उसको लेकर, और पीछे घर वालों ने भाई खेत का काम शुरू कर दिया, मतलब खेतों में हल जोतने का। तो अभी भाई हमारी तरफ जो लेडीज़ वो हल बिल्कुल नहीं जोतती है, एंड मम्मी काफ़ी गुस्सा हो रहे थे कि तू कहाँ है जल्दी आ जा, आज दोस्ती के पीछे गालियाँ पड़ने वाली हैं। आज गालियाँ भी पड़ सकती है, तो भाई बहुत लेट हो गया हम। तो फिलहाल अभी जस्ट हम जा रहे हैं और बस पहुँचने ही वाले हैं, वहाँ जाके भाई मम्मी की एक्शन तुम देखते जाओ। ये मेरा खेत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की जुताई चल रही है और वो सामने पीछे मम्मा खड़े हैं भाई, मेरी तरफ तो देख भी नहीं रहे। मम्मी हाय, ऐसे ऐसे मत देखो यार, घूर के आ गया ना मैं, इधर देख तो लो, ऐसे एक बार हाय तो कर दो। हाय ऐसे करते हैं हाथ हिला के, गुस्सा तो नहीं हो और क्या था, कई उनके इतना काम किया कि पहली लड़की। कितने सब्सक्राइबर हुए तेरे? 600। कितनी वीडियोस डाली है? एक भी नहीं। तो 600 कैसे हो गए? पता नहीं, फिर भी जादू समझो जादू। इसका एक कमेंट पिन कर दिया था भाई, 600 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू बोलोगे? हाँ थैंक यू, बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। मुझे पर्सनली जब अपना टाइम याद आता है, मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में लगभग 4 से 5 महीने लगे थे दोस्तों, और आजकल देखो भाई कमेंट पिन करने से और बिना कोई वीडियो डाले उसके 600 सब्सक्राइबर हो गए। कहा जाता है ना, जैसे कर्म करो वैसा ही फल मिलता है। तो दीक्षा देखो क्या कर रही है, तो थोड़ी देर में आपका पता भी चलेगा। मेरा क्या चलेगा, मैं गोबर तो नहीं उठाऊंगा भाई तेरी तरह। चल उठा के ऐसे वीडियो में फेंक के दिखा दे, जैसे फेंक के दिखा, चल चल साइड में फेंक के दिखा दे, चल शाबाश, चल चल गुड गर्ल, फेंक दे फेंक दे, कुछ नहीं होता फेंक दे। तो गाइस मेरे आने से पहले ही घर वालों ने जो खेत में हल जोत दिया था, जो भाई लेके आए थे अपने बैल रेंट पे भाई, उन्होंने ये अभी जोत दिया। तो लगभग आप अभी देख सकते हैं कि थोड़ी बिजाई हो चुकी है, एंड अभी हम खेतों में जो है दोस्तों वो मक्का बीज रहे हैं। मक्के की रोटी तो आपने सुनी रखा होगा, क्योंकि जिस टाइम पे यहाँ पे सर्दी पड़ती है भाई तो बहुत ज़रूरी हो जाती है मक्के की रोटियाँ खाना। और दोस्तों आप ध्यान देंगे तो ऊपर पहाड़ के ऊपर भाई बर्फ़ गिर गई थी रात को भाई, जैसे ही मतलब कि मौसम ख़राब हुआ पूरा के पूरे हिमाचल में, और सुबह उस पहाड़ के ऊपर भी बर्फ़ थी जो कि अभी हट चुकी है। पहाड़ों का ना भाई कभी भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। अभी आपको पता है मई महीना लगा हुआ है, कल परसों को जून लगने वाला है, फिर भाई रात को थोड़ी सी बारिश क्या हो गई एकदम से बर्फ। फिर पीछे से आप देखेंगे तो देखो हमारे खेत कैसे लगते हैं भाई, जैसे कि आपको ये लगेगा कि पूरी की पूरी खेत नहीं भाई, ऐसे खाई अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो वो नीचे नाले में जाके पड़ूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई खुद हल जुताई करके, ठीक है? तो कैसे हल जोतते हैं इन खेतों में, देखो हर खेत की मतलब आप ये मानकर चल सकते हो 10 से 15 फीट की ऐसे भाई चौड़ाई होती है, लंबाई में खेत यहाँ पे बहुत लंबे होते हैं। तो आप जब भी हल जोतोगे तो पहले तो आपको ये है कि भाई हल जोतने अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो भाई कई बार ऐसा भी होता है कि सीधा नीचे की तरफ भी गिरते हैं निचले खेत को, और कई बार भाई बैल भी गिर जाते हैं। तो मतलब आप ये समझ लो कि एक हिसाब से आपको हेलीकॉप्टर उड़ाना है भाई गाँव का। चल चलो, तो भाई उतना हार्ड काम भी नहीं रहता है, बस खाली आपको हल संभालनी होती है, एंड हल का तो पता नहीं, बट अज्जू भाई कैसे अभी कैमरा संभाल रहे हैं यू डोंट नो। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हल लगती है प्रॉपरली। बस आपको खाली ये ध्यान रखना होता है कि भाई जिस तरफ जुताई हो गई है उस तरफ आपको नहीं जोतना है, खाली इस तरफ ही आपको जोतना है। लगभग एक एक फीट तक जो है वो हल नीचे घुसती है, ठीक है, तभी ये जुताई हो पाती है। हम मेहनती ज़रूर होता है, थकने वाला होता है, बट भाई रात को नींद बहुत ज़बरदस्त आती है अगर आप एक या दो खेतों की जुताई भी ढंग से कर लेते हो तो। मम्मी थकान तो नहीं लग रही है? चुप, मेरे साथ बात नहीं करना, कब आ गया था तू? मैं बोला था कितने कितने काम कर दिया हमने, क्या कर रहा था तू घर में मेरे को ये बता, क्या कर रहा? अज्जू के साथ गया था भाई, मैं अज्जू के साथ काम करने गया था। क्या काम किया अज्जू के साथ? ऐसे घूमने गया था लोग प्रबंधी करना, अज्जू लोग प्रबंधी नहीं, अज्जू भाई बता यार, अज्जू भाई भी तेरा जैसा ना था, अज्जू भाई भाई बोल रहा है तू भाई। बस बस हो गया हो गया, मेरे को नहीं पता कितने टाइम हो गया, 1 बजे की मैं खेत को आई हूँ। ठीक है ठीक है ठीक, जितनी गालियाँ पड़ने की उम्मीद थी दोस्तों उतनी पड़ी नहीं, बहुत अच्छा रहा। सच बोलूँ तो ऐसे तो भाई थोड़ी बहुत गालियाँ तो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। क्या लगा पता नहीं, 2 मिनट लिए बैल और हो गया पूछ। तूने इन्हीं हाथों से चिंगम खा ली ना? ची भाई ची, अज्जू ने दी मेरे को, अज्जू ने। ठीक है
अच्छी बात है बच्चे, इससे सारे काम होते हैं, बंदे मर जाते हैं तभी इसको लाते हैं। छी नहीं भाई, नहीं मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो गोमूत्र होता है गोबर, तो खाते खाते थोड़ी ना है गोबर, कौन खाते अभी खेत में, नहीं इसको डाल रहे क्या जो फसल होगी भाई, वो क्या वो तो टट्टी की भी होती है, तो मतलब टट्टी भी खाते हैं। गंदा नहीं होता, देखो भाई मैं सिंपल बात बताता हूँ, देखो दोनों ने पता क्या किया, अज्जू ने अज्जू मम्मी रहने इसको रहने जलो जलो मत, अज्जू ने चिंगम दिए एक निकाल के और इन्होंने क्या किया, ठीक है दोनों ने इन हाथों से खा लिया यार, कैसे ऐसे उल्टा रख के खाया था ना, वैसे सच बता दो आप मम्मी इतनी इज्जत ना दिया करो यार, मेरे से हरा ऐसे होती नहीं, कभी तू होता है कभी गालियां पड़ती है कभी इज्जत, मेरी बात सुनो ऐसा काम करते है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है, ये जो नीचे वाला खेत है बस बहुत हो गया इतना ही, अभी चलते हैं ठीक है, तो इसको पूछ लो ना, इसको पूछना है भाई, इनको क्या पूछना है, आप चल पड़े, चल नहीं 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 ये ये वाला नहीं यार, ये वाला यहाँ तक नहीं, अभी नहीं, नहीं, नहीं अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो अभी जा रहा है, सुबह तो उठता नहीं है, फिर कब उठ जाता हूँ, मैं उठ जाता हूँ, मेरे को फिर वीडियो भी बनानी होती है ना, डालनी होता है, उठाना पड़ता है, ठीक है, क्या डालनी है, 9:30 उठाना, तो बोलते 10 मिनट सोने दो मेरे को, फिर बाद में उठूंगा मैं, तो उसमें गलत क्या है, गलत क्या है, अच्छी बात है बच्चे, जू तू नहीं कंप्लेंट करेगा मेरे बारे में कुछ, नहीं भाई मैं क्या कंप्लेंट करूं, अपनी तो गलत हो गए, आप गलत हो गए तभी भी ऐसे बोलेंगे, नहीं भाई तू सही है, हम गलत होते नहीं है भाई, वो अज्जू को अज्जू तेरा काम था भाई, इसको लकड़ी थोड़ा घर का के लिए लकड़ी का काम था, ठीक है उसके लिए मैं गया था, मेरे को पता है, मेरे को पता है, ठीक है, ये दोस्त है, ये गलत हो गया, आप तभी वैसे होते नहीं भाई, तो बिल्कुल सही है, सही ऐसा नहीं होता कभी, ऐसा मेरे को पता है, ऐसा होता है सर, लगभग मैं 24 साल का हो गया दोस्तों, सच बात बोलूँगा, दिल की बात बोलूँगा, ये जो गालियाँ हैं ये हमेशा पड़ती रहती है भाई, यूट्यूबर भी हूँ, सही से पैसे भी कमा के देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी गालियाँ पड़ती हैं, अब मैं ये बात आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में उनको गालियाँ पड़ती है, मुझे पता है भाई, आफ्टर आप कॉलेज लाइफ के बाद जब भी घर बैठते हो तो गालियाँ शुरू हो जाती है, तो बिलीव मी कि ये गालियाँ तब भी पड़ती है जब आपको जॉब लग जाती है, तो ऐसे में कई लोग ना कुछ गलत काम कर लेते हैं या फिर घर वालों से बहस करने जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई चुप करके बेशर्म बन के थोड़ी गालियाँ सुन लो और हाँ उन पे अमल भी करो ताकि कुछ अच्छा कर सको, ऐसा नहीं है भाई कि गालियाँ सुनते एक कान से सुन ली दूसरे कान से निकाल ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बस मेरा बोलने का मतलब यह है भाई कि ये गालियाँ हमेशा पड़ती रहती हैं, अभी पता नहीं कल परसों को जब भी मेरी शादी होती है उसके बाद पड़ती है या नहीं पड़ती भाई बहू के सामने, आई डोंट नो, उधर जाएंगे उधर भाई, वो पक्का वहाँ पे पक्का, हाँ भाई उधर भाई देख इधर देख पक्का बिल्कुल भाई, तो भाई अभी जैसे खेतों का काम खत्म होता है तो हमने प्लानिंग करी है कि वो जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं भाई इसके टॉप के ऊपर जाएंगे, मैं और अच्छू भाई फुल सामान लेके, दीक्षा वगैरह बोल रहे थे हमें भी लेके चलना, देख लेंगे भाई रुकना भी पड़ेगा, तो ठंड भी बहुत होती है, बर्फ भी पड़ सकती है, अभी आप देख ही सकते हैं ऊपर पहाड़ों के ऊपर कभी भी, हाँ वो तो है, रात को भी पड़ गई थी भाई मैंने ब्लॉग में बताया आपने, हाँ तो भाई देख लेंगे, इधर आ इधर कहाँ गया था, पानी लेने, और मेरे खेतों में क्या कर रहा है, ऐसे ही, किसने मंगाया था पानी, जो आया है पानी, अच्छा जो खेत के लिए आया है, हाँ। तो डंडी किसके लिए ली है, ऐसे ही, ऐसे क्यों फिर से पानी, और ये तो उठाया नहीं जा रहा, डंडी लेके कहाँ जा रहा है, तो ये छोटा सा लड़का मेरे चाचा जी का लड़का, और भाई अक्सर जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो पूरी मेरी वीडियो देखता रहता है कि कैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सामने तो कभी नहीं, बट जब मैं नहीं होता हूँ भाई तब सिस्टर वगैरह के सामने जो है ये वीडियो बनाता है, बोल नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप लोग, क्या ही बोले, देख लो भाई पूरे डायलॉग इसने कॉपी कर लिया, आने वाले टाइम को यूट्यूबर बनना है तुझे भी, बनूंगा, बनेगा, वीडियो बनाएगा, देख लूंगा चल फिर तो ठीक है, तो भाई धीरे धीरे करके अभी से प्रैक्टिस कर रहा है और मुझे अच्छा भी लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बचपन से अगर एक बार क्रेज बन जाए ना भाई बंदे को फिर कोई भी नहीं रोक सकता, तो जो भी बैल बीज देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती है जहाँ पे हल नहीं लग पाता है प्रॉपरली, फिर उसे आपको जो है वो कुदाली से इस तरह से भाई पूरी हाथों से करना पड़ता है, क्योंकि जमीन काफी हार्ड होती है तो काफी मेहनत लगती है, गाइस अब भी टाइम हो चुका है शाम का और ये टाइम रहता है भाई घर को जाने का, तो अभी बैल भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो अभी खोल देंगे भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये भी थक चुके हैं और भाई काम भी लगभग आप ये समझ लो कि एक दो खेत हो गए हैं, बाकी के तो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो अभी इनको जस्ट खोल देंगे भाई, ठीक है, थक गए हो जवानो, थक तो नहीं गए, वो भाई मारने को मत आना, मारने को मत आना, ये शरीफ लग रहा है, अच्छा ये डरता है थोड़ा यार, क्यों घूर रहे हो मुझे,
बदसूरत तो नहीं, पता कितना काम करके आया हूँ मैं अभी, अभी तो बदसूरत लग रही। क्या किया, क्या किया खेतों में, हल जोत के आया, तूने क्या किया भाई? हट हट हट, मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, आज काम किया आपने? किया है बस। क्या बस, इतना मजाक मत करो, कुछ भी काम, पता है मेरे को कुछ भी काम नहीं करते आप खेत में जाके। वीडियो में दिख रहा है वो सारा, ऐसे ही फॉर्मेलिटी की होगी, थोड़ी थोड़ी फॉर्मेलिटी, जस्ट थोड़ी थोड़ी फॉर्मेलिटी की बताने को कि मैंने काम किया। क्या किया होगा? फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी नहीं किया, मैंने काम किया है, काम नहीं किया, खून और पसीना बहाया अपना, भाई पे पूरा विश्वास है, मम्मी से डांट खाई है मैंने। काम कर ही नहीं सकते, आप बताओ किया काम मैंने या नहीं? हाँ, मम्मी होती है भाई जो सच बोलती है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मेरी सपोर्ट के लिए। अभी घास डाल रहे हो क्या? सो गाइज यार, कुछ इस तरह से भाई आज का ये ब्लॉग था भाई, खेतों में पूरी मेहनत करके आया हूँ, एंड अभी सच बोलूँ तो काफ़ी हद तक थक भी गया हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई आके मुझे ये फील हुआ कि ब्रॉनी तो मेरे से भी ज़्यादा थका हुआ है भाई, जिस हिसाब से ये लेटा है, इसने मेरे को खेतों में एक्चुअली देख लिया था। उसके बाद भाई दिन में तो उसकी आउटिंग चालू रहती है भाई, घूमता रहता है ये, तो उससे पहले ही मेरे आने से पहले घर पहुँच गया ताकि मेरे को लग सके कि भाई मैं तो घर में पहले आ गया हूँ तुमसे, एंड मैं बहुत शरीफ डॉगी हूँ, ठीक है, इसको ऐसा लगता है, इसलिए यहाँ पे शरीफी से लेटा पड़ा है। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आप नए व्यूवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो में, भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।